मेरे प्यार दोस्तों, हाल ही में आमिर खान ने न्यूज इंडिया को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें आमिर खान ने हर मुद्दे पर खुल के बात की है, पर अपने लाइफ के सबसे बड़े मुद्दे शादी और तलाक पर भी खुल के बात की। पहले रीना दत्ता से शादी और दो बच्चे के बाद उन्हें तलाक दे दिया, फिर किरण राव से शादी की और 16 साल के रिश्ते और एक बच्चे के बाद उन्हें भी तलाक दे दिया। आमिर ने इसके कारणों पे खुल के बात नहीं की है, पर ये जरूर कहा कि हम शादी की बहुत इज्जत करते हैं और जब हमारे बीच शादी और पति पत्नी जैसी बात नहीं रही तो हमने अलग होने का फैसला कर लिया और हम फिर भी साथ साथ हैं। किरण एंड आई आर फैमिली, हम हैं परिवार। तो फिर स्टेटमेंट की क्या जरूरत है? तो क्योंकि हमें लगा कि जो एक रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, शायद हम उससे उसमें एक तब्दीली आई, उसमें एक चेंज आया है और उस इंस्टीट्यूशन जो है, जो शादी का इंस्टीट्यूशन है, उसकी इज्जत करना चाहते हैं, तो उसके कुछ रूल्स और दायरे हैं, उसमें हम रहना चाहते हैं। और अगर हमें लगता है कि हमारे रिश्ते में एक तब्दीली आई है और हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है, हमें लगता है कि हमें एक दूसरे के दिल में बहुत प्यार और इज्जत है एक दूसरे के लिए और हम हाथ पकड़ के आगे चलने वाले हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं, हम साथ में पानी फाउंडेशन कर रहे हैं, हम साथ में बहुत नज़दीक रहते हैं, वो ऊपर रहती है, मैं नीचे रहता हूँ, तो हम एक परिवार के जैसे ही रहते हैं और हम परिवार हैं। ये सब बातें सही में समझ से परे हैं और किसी और के लाइफ में होने से भी इनकार किया आमिर ने। तो फिर पति पत्नी के रिश्ते की टूटने की वजह क्या है, साफ साफ बात नहीं की। इन सब पर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।